जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब द्वारा 1666 ईस्वी में आगरा बुलाया गया था, 12 मई 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से भेंट करने आगरा के दरबार में पहुंचते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब को कुछ उपहार भेंट करते हैं, जिसको औरंगजेब नज़रअंदाज कर देता है। औरंगजेब अपने वजीर को इशारा करके छत्रपति शिवाजी महाराज को 5000 मनसबदारी वाले पंक्ति में खड़ा कर देता है। ये छत्रपति के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, क्योंकि छत्रपति के पुत्र संभाजी को 5000 मनसबदारी मिले हुए थे। कई प्रकार के छत्रपति का अपमान किया जाता है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज का क्रोध उमड़ पड़ता है और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का गुस्सा फूट पड़ा और वो क्रोधित होकर उच्च स्वर में जय सिंह के पुत्र राम सिंह से बोलते हैं, ये मेरे आगे कौन खड़ा हुआ है? तब राम सिंह जवाब देते हैं कि ये मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं कि ये जो मुझे पीठ दिखाकर दक्कन में भागा था, ये मुझसे आगे खड़ा हुआ है। और तब छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार के बीचों बीच खड़े होकर उच्च स्वर में बोलते हैं, राम सिंह तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पिता जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे बादशाह भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इतना बड़ा अपमान और ये मैं सहन नहीं कर सकता। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब को पीठ दिखाकर दरबार से निकल जाते हैं। बादशाह को पीठ दिखाना मुगल दरबार में एक बादशाह के लिए अपमान माना जाता था, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था। ऐसे निर्भीक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। बातों बातों में औरंगजेब के द्वारा किसी को भी सर कलम करने की सजा दी जाती थी, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज एक सिंह की तरह गरजते हुए बोलते हैं, मैं इस दरबार में फिर कभी प्रवेश नहीं करूँगा। दरबार में खड़े सभी और मंत्रीगण हक्के बक्के रह गए, वो सन्न रह गए कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब बादशाह के सामने ऐसा बोल दिया। तो महाराज ने कम उम्र में बीजापुर के दरबार में भी दिखा दिया था कि वो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। छत्रपति को राम सिंह के महल में नज़रबंद कर दिया जाता है और कैद कर लिया जाता है। जिस दिल्ली के बादशाह द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, आगे चलकर इसी मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के सम्राट को उसी के किले के अंदर कैद करके रख दिया था। जहाँ मराठों के डर से, मराठों के खौफ से दिल्ली के कोई सैनिक बाहर नहीं निकल रहा था। इसी की नींव डालने वाले थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय श्री राम, हर हर महादेव। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में ऐसी वीरता दिखाई, निर्भीक होकर ऐसे उच्च स्वर में औरंगजेब के सामने खड़े होकर बोले, तब वहाँ के खड़े हुए सभी दरबारी और मुगल के चाटुकार दंग रह गए और देख कर सन्न रह गए। छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे मुड़कर दरबार से बाहर निकल जाते हैं। जाके जय सिंह का बेटा राम सिंह महाराज से कहते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं कि चलिए बादशाह ने आपको बुलाया है, आपके लिए ये विशेष तौर पर कपड़ा भेजा है कि इसे धारण करके आप दरबार में प्रवेश कीजिए। लेकिन महाराज मना कर देते हैं और वो जय सिंह के बेटे राम सिंह कहते हैं, तुम मेरी गर्दन यही काट दो, लेकिन मैं कभी वापस तुम्हारे बादशाह के दरबार में नहीं जाऊँगा। आगरा में औरंगजेब के दरबार में बैठे उसके मुगल सैनिक भी भौचक्के रह गए कि कोई कैसे औरंगजेब के सामने ऐसी निर्भीकता प्रदर्शन कर सकता है। राम सिंह महाराज से कितनी प्रार्थना करते रहे, औरंगजेब कितने आदेश भिजवाते रहे, लेकिन महाराज दरबार वापस नहीं गए। तब राम सिंह अपने हवेली में महाराज को ले जाते हैं और राम सिंह के हवेली में महाराज के जाते ही औरंगजेब उसके आसपास पहरा डलवा देता है और उसके आसपास सैनिकों को खड़ा कर देता है, अर्थात महाराज को नज़रबंद कर दिया जाता है। औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा सिंह का सर काट के अपने पिता को भिजवाया था, औरंगजेब जिसने अपने पिता तक को पानी तक नहीं देते थे, औरंगजेब जो शाहजहाँ को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाता था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे छोड़ देता, और यह महाराज भी अच्छे से जानते थे। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को नज़रबंद आड़ में उनका कत्ल करवाना चाहता था और यह छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छे से जानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को राम सिंह के हवेली में नज़रबंद कर दिया गया तो वो तो अच्छे तरह से जानते थे कि औरंगजेब कितना क्रूर है और वो किसी न किसी छल बल के प्रयास से उनकी हत्या करने के प्रयास जरूर करेगा। अब इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज योजना बनाते हैं कि कैसे वो इस स्थान से बाहर निकलेंगे और कैसे औरंगजेब के कैद से बाहर निकलेंगे, तो इसकी कथा हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।